बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सहर्स किचन। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त सी मज़े से रेसिपी सिखाने वाली हूँ और इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा इजी भी है। तो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कसीरियास, बहुत ज़्यादा यम्मी डिलीशियस है और रेस्टोरेंट्स में आपको इतने महंगी मिलती है, आप घर में ईजीली बना सकते हैं वो भी बहुत कम प्राइस में। तो आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले टॉर्टी बनाएंगे, यानी रोटी जिसमें हम उसको रैप करेंगे। इसको मिक्स नहीं करूँगी, चपाती भी कह सकते हैं। और इसके लिए जो मैंने चपाती बनाई हुई है पहले से, वो भी आप बना सकते हैं और जो मैं अभी सिखाऊंगी वो भी आप बना सकते हैं। इसका लिंक मैं ऊपर दे दूँगी, आप उसको ट्राई कर लिए, जो दोनों में से आपको अच्छी लगे वो बना लें। तो आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत होगी। उसके लिए ले रहे हैं हम 2 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून दही और पानी इसको गूंदने के लिए। सबसे पहले हम मैदे में अपने इंग्रेडिएंट्स को बारी बारी से ऐड कर लेंगे। इसमें हम डाल लेते हैं बेकिंग पाउडर, नमक और पहले इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं और साथ ही इसमें हम ऐड कर लेते हैं घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इसको मिक्स करें। अब इसमें दही ऐड कर दें, इसको भी अच्छे से पहले मिक्स कर लें, फिर उस हिसाब से पानी डालिएगा क्योंकि दही से भी ज़्यादा दही भी डाला हुआ है, फिर पानी आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो आपका जो डो है वो बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाएगी। जी, डो हमारी रेडी है। इसको आपने बहुत हार्ड नहीं गूंदना, ना ही बहुत नरम हो, दरमियानी रखें। इसको अब आप कवर करके रख देते हैं, रेस्ट दे देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक हम अपनी चिकन को प्रिपेयर कर लेते हैं। एक बाउल में सबसे पहले हम चिकन ऐड कर देंगे, उसके बाद इसमें हम अपने मसाले ऐड कर देंगे, लाल मिर्च, काली मिर्च, जीरा, नमक, ऑरिगेनियो, दही और आखिर में हम डाल देंगे लहसुन का पेस्ट या कूटी हुई लहसुन, जैसे आपको अच्छा लगे। पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं, लेकिन पाउडर फॉर्म में मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं हमेशा इसको इसी फॉर्म में ऐड करती हूँ। अब इनको मिक्स करें। जी, ये मिक्स हो गया। अब इसको हम फ्राई करते हैं। एक पैन में हम पहले घी ऐड कर देंगे और इसमें जो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो ऐड कर देंगे। जी देखिए, चिकन रेडी हो गया। 5 मिनट लगे इसको पकाने में। अब इसको उतार लें और ठंडा कर लें। अब उसी पैन में हम डाल देंगे शिमला मिर्च और प्याज, इसको हल्का सा ऑयल में फ्राई करेंगे। और अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है कि इसमें घी डालें तो आप इसमें ऐड करें। 1 टेबल स्पून घी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है इसमें ऐड करने की। अगर आपको ज़रूरत ना हुई तो आप इसमें ऐड ना कीजिएगा। अब इसको मिक्स करें और यही बेस्ट तरीका है इनको बनाने का। इसकी रेसिपी इसी तरह होती है, बहुत सारे लोग चिकन में ही इसको कर देते हैं, लेकिन इसको बस हम हल्का सा ट्रांसलूसेंट करेंगे बिल्कुल, और इसी तरीके से आप कीजिएगा। तो ये देखें, ट्रांसलूसेंट हो गए, बस इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। अब हम इसको उतार लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। रोटी बनाने के लिए हम 2 के स्मॉल पीसेस कर लेते हैं ताकि क्योंकि हमने इसको छोटे साइज़ में बनाना है और पतला भी बनाना है, तो उस हिसाब से आप इसकी कर लीजिए, छुरी की मदद से कर लें या फिर आप स्क्रैपर की मदद से कर लें, जो भी आपके पास है। इसके पेड़े बना लेते हैं हम। इसी तरह बाकी सारे भी बनाएं। पेड़े हमारे रेडी हैं, अब इनमें से एक पेड़े को आप बेल लें। जी, इसको मैंने पतला पतला बेल लिया है और अब इसको हम बनाते हैं इसी तरह बाकी सब भी। जी, एक पैन है, इसको मैं गर्म कर रही हूँ
और आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। इसमें हमने अपनी बेली हुई जो डो रोटी है वो ऐड कर देते हैं, और इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, हल्का हल्का पकाना है क्योंकि इसके बाद हम इसको दोबारा पकाएंगे। एक साइड हो चुकी है, बस इसको ज़्यादा नहीं पकाना, आप दूसरी साइड को पका देते हैं। ये देखो जी मैंने इसको पका ली, दोनों साइड होगी। अब इसको इसी तरह बाकी सारी बना लें। अब देखिए एक मैंने ग्रिल पैन लिया, अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप पैन ही ले लें, सिंपल पैन ले लें, तवे पे बना लें, जैसे आपको इजी लगे। अब बिल्कुल हल्का सा मैं ऑयल लगा रही हूँ इसकी वेस्ट पे, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, वो ज़्यादा वाला पराठे में चला जाएगा तो आपने ज़्यादा नहीं लगाना। अब उसके बाद हमने जो ब्रेड बनाई, रोटी बनाई थी उसको रखेंगे, इसके ऊपर हम चीज़ स्प्रिंकल करेंगे। अब इसके ऊपर पहले हम मोज़ेरेला चीज़ और चेडर दोनों मिक्स करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये होगी मोज़ेरेला और ये हम ऐड कर देते हैं चेडर। अब इसके ऊपर हमने जो चिकन बनाया हुआ था वो ऐड कर देंगे। चीज़ आप अपने हिसाब से रखेंगे जितना आप लोग पसंद करते हैं, और चिकन भी अपने हिसाब से डालिए। अब इसके ऊपर हमने जो प्याज और शिमला मिर्च को ट्रांसलूसेंट किया था वो ऐड कर देंगे। फिर इसके ऊपर आप चीज डालेंगे। अगर आपको चीज नहीं अच्छी लगती स्किप कर दें, वरना चीज के बिना इसका कुछ मजा नहीं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है, आपको जैसे लगे। अब चीज़ ऐड करने के बाद जो दूसरी रोटी हमने बनाई थी वो उसके ऊपर डाल दें और इसको यूं प्रेस करें। अब इसकी दोनों साइड्स पकाएं। अब इसकी एक साइड पकने दें, फिर हम इसकी साइड को उलटाएंगे। जी ये देखिए दोनों साइड्स हो चुकी हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं क्योंकि पहले से तो ये पकी होती है, अब इसको हम निकालते हैं। अब उसी पैन में हम एक और स्टाइल से बनाएंगे। के लिए दोबारा से आप हल्का सा ऑयल लगाएं, क्योंकि ये जो चपाती होती है ये फ्लैट ब्रेड जो होती है पकी होती है, तो इसलिए आप इसको ज़्यादा नहीं होना, बस चीज़ का इंतज़ार करना होता है। अब ये रखेंगे हम। अब इसकी एक साइड पे हम दोनों चीज़ें ऐड करेंगे, मोज़ेरेला भी और चेडर भी। अब इसमें हम चिकन रख लेते हैं। याद रहे फ्लेम जो है वो लो होनी चाहिए। अब इसके ऊपर हमने प्याज और शिमला मिर्च ऐड कर देना है। ज़रा जल्दी जल्दी बनाएंगे ताकि हमारी जो पहली वाली है वो ठंडी ना हो जाए। अब इसके ऊपर दोबारा से चीज़ डाल देंगे दोनों, मोज़ेरेला एंड चेडर, या फिर चेडर ऊपर डालें मोज़ेरेला नीचे डालें, लेकिन भी ऐड कर दी। अब हम इसकी ये वाली साइड उठाएंगे और इसके ऊपर यूँ फ्लिप कर देंगे, यूं फ्लिप करेंगे, इसको यूं प्रेस करें आप, बस हल्का से साइड से भी पका लें, चीज मेल्ट होने का इंतजार करें, प्रेस करें ताकि यहाँ से यूं वो बंद हो जाए। अब इसको उल्टा लेते हैं ताकि वो जो ऊपर हमने चीज रखी है वो भी मेल्ट हो जाए। ये देखिए जी कितना अच्छा कलर आ गया। जी ये साइड भी रेडी हो गई है, अब इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा पहला वाला जो हमने बनाया था ऊपर नीचे रख के। अब इसको हम कट करके देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, कितना यम्मी लग रहा है माशाल्लाह से। छुरी की मदद से इसको काट लें, माशाल्लाह से ये देखिए की चीज़ नज़र आ रही है। जी ये देखिए जी, अब आपको मैं दिखाती हूँ, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। देखिए जी कितना यमी डिलीशियस लग रहा है माशाल्लाह से, इसकी फिलिंग और कलर ये देखिए जी कितना परफेक्ट बना है। चलिए अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। तो ये आ गया हमारा दूसरा वाला, ये भी कितना ज़बरदस्त है। बहुत सारे डिज़ाइन स्टाइल में आप इसको बना सकते हैं माशाल्लाह से, ये बहुत यमी लग रहा है। ये देखिए जी ये भी कितना ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों मेरी रेसिपीज बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है और बहुत इजी है, घर में सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आप उसे बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपीज अच्छी लगी होंगी। दोनों मैंने डिज़ाइन में बता दिए, दोनों स्टाइल्स हैं, जैसे आपको अच्छे लगे, जैसे आपको ईजी लगे आप वैसा बनाइए, और बहुत यम्मी होता है और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसके साथ अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,
और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और फिर कमेंट्स में ज़रूर बताइए, इंस्टाग्राम पे मेरे साथ पिक्चर शेयर कीजिए और बताइए आपसे ये रेसिपी कैसी बनी है। इसके साथ साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।